सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ना करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सीखम। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम में किसी भी पोस्ट को कर सकते हैं पोस्ट। दोस्तों ये सब हम तो जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम दोस्तों एक फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम किसी भी इमेज को शेयर करते हैं लोगों के बीच। लेकिन दोस्तों ये जो इंस्टाग्राम है सिर्फ आप अपने फ़ोन में ही करते हैं इस्तेमाल, और दोस्तों आप कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में आप किसी भी पोस्ट को नहीं कर सकते हैं पोस्ट, क्योंकि इसका वर्जन है सिर्फ मोबाइल का, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निक जिससे आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से भी किसी भी इमेज को इंस्टाग्राम में पोस्ट। दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जाना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में दोस्तों ये एक फंक्शन दिया है जिसकी वजह से दोस्तों आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं इसमें इसी तरीके से एक्सेस, ठीक है। दोस्तों तो मैंने किया यहाँ पे इसे ओपन, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कोई इमेज वगैरह देखनी है तो आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आपको अपना प्रोफाइल चेक करना है, कुछ उसमें एडिट करना है तो आप मतलब उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई पोस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों पोस्ट करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीन थो डॉट है, यहाँ पे कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम यहाँ पे लिखा होगा और तीन ये डॉट इसका नाम है ही, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ, आपको जाना है सबसे पहले मोर टूल्स, ठीक है। उसके बाद मोर टूल्स में आने के बाद जाना है आपको डेवलपर टूल्स, और यहाँ पे करना है आपको एक बार क्लिक, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, यहाँ पे सिलेक्टेड होगा तो ठीक है, इसको आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों और भी एक चीज़ करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ काफ़ी सारे फ़ोन के मॉडल दिए होंगे, जिनमें से दोस्तों आपको किसी एक फ़ोन का जो है मॉडल सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना है इस पेज को एक बार रिफ्रेश, ठीक है। जैसे दोस्तों आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों बिल्कुल दोस्तों एक मोबाइल की तरह यहाँ पे जो है इस इंस्टाग्राम का फंक्शन हो जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों अपने कंप्यूटर से किसी भी इमेज को लेकर यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे सामने पूरी तरह ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे होम है, सर्च है, उसके बाद यहाँ पे लाइक्स देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से किसी भी इमेज को डायरेक्ट पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ से लेता हूँ मैं एक और इमेज, ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वाले इमेज को लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट, और फिर उसके बाद आपको अगर यहाँ पे कुछ राइट करना है इसके बारे में तो आप कर सकते हैं राइट। दोस्तों मैंने पहले से राइट किया, उसके बाद मैंने कर दिया पेस्ट, उसके बाद कर दिया आप शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इजी तरीके से यहाँ पे हो गया पोस्ट, और दोस्तों यही था तरीका दोस्तों यहाँ पे पोस्ट करने का। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता, आपको जाना है यहाँ पे तीन डॉट पे, और आपको जाना है यहाँ पे मोर टूल्स में, उसके बाद जाना है आपको डेवलपर टूल्स, यहाँ पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आप एक मॉडल नंबर किसी भी फ़ोन का, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल करना है रिफ्रेश, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे मोबाइल जैसा बन जाएगा दोस्तों सिस्टम। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप कर सकते हैं प्लस पर क्लिक कर किसी भी फोटो या जो भी है पोस्ट डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों यही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।